एक दूसरे का हाथ पकड़ना और आंखें बंद करना, कुछ भी हो जाए हाथ मत छोड़ना। रेडी? रेडी। कबारा कबारा आ जाओ आ जाओ, कबारा कबारा आ जाओ आ जाओ, कबारा की आत्मा 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 आ जाओ, कबारा 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 आत्मा, वो मरे हुए सीरियल किलर की। ये टेबल कौन को मारा है? तुम में से कोई कर रहा है क्या? गाइस, मजाक मत करो, हम लोग आत्मा को बुला रहे हैं। मजाक महंगा पड़ सकता है। Guys, be serious. कोई मजाक नहीं कर रहा है। कबारा, कबारा जी, अगर आप हो तो प्लीज सबूत दो। किसी का खून करने वाले हो क्या? Guys, let's just chant. कबारा, 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 क्या कर दिया आपने? वो देखो, हम सब को मारने वाले क्या खाएं बच्चे? कुछ नहीं होगा। एक मिनट, हटिए जरा। आइए सर, देखिए कितनी बेरहमी से मारा है। आप कौन है? सर, मेरा नाम पन्ना लाल है। मैंने आपको फोन किया था। सेठ भाई और मैं काफी समय से साथ में बिजनेस कर रहे हैं। कल शाम को जब मैं आया था तब तक ठीक था, उसके बाद देखा तो ये हो गया सर। ये कौन है? सर, घर का नौकर रामू। लगता है सोते में ही मार दिया, उठने का मौका ही नहीं मिला। सर, ऊपर दो लाशें। लगता है नौकर की आवाज सुनके ये बाहर आए होंगे और खूनी ने इन्हें यहीं पे मार दिया। बेडरूम में एक लाश है।
आवाज सुन के उठने की कोशिश की होगी, यहीं पे मार दिया। तिजोरी से क्या क्या गया कुछ मालूम है? सर 10 करोड़ के हीरे थे, 2 हफ्ते पहले मैंने पॉलिश के लिए दिए थे, सारे के सारे चले गए। हीरे? सर बाथरूम में हथियार है। लगता है इसी हथियार से सबको मारा है। अच्छा खासा साफ कर दिया है, वो भी साबुन से। लगता नहीं इस पे कोई सुराग मिलेगा। बहुत ही खतरनाक खूनी है यार, पहले 3-3 खून करता है, अबे यही बाथरूम में बैठ के हथियार साफ करता है। साइकोपैथ। अच्छा इन हीरों के बारे में कोई और भी जानता था? सर 3 लोग जानते थे। कौन है? आइए बताता हूँ सर। एक सेठ भाई का भतीजा करुणेश, 2 एम्प्लाई थे सतीश और सर मानिक। आइए सर मैं दिखाता हूँ। सर ये सेठ भाई का भतीजा करुणेश। जी मैं करुणेश, ये मेरे चाचा चाची थे। और ये एम्प्लाई मानिक और ये सतीश। हाँ सर, वो हीरे पॉलिश करने का काम मुझे और मानिक सर को दिया था। और सर मेरे 10 करोड़ के हीरे चले गए, मैं तो बर्बाद हो गया, कहाँ से लाऊंगा मैं सब? आप शायद भूल रहे हैं, 3-3 खून हुए हैं यहाँ पे, उनकी जिंदगी हीरों से कहीं ज्यादा कीमती है, समझे आप? बाहर चल के देखते हैं, शायद किसी ने कुछ और देखा हो। मैं कल रात की सीसीटीवी फुटेज चाहिए, ये कैमरा चल रहा है ना? हाँ साहब, लेकिन कल रात 2 से 3 बजे के बीच लाइट कट गई थी साहब, उस समय का तो कुछ मिल नहीं पाएगा साहब, लेकिन उसके पहले और बाद का सब है साहब। 2 से 3 बिजली नहीं थे, शायद खून भी उसी वक्त हुआ। लेकिन कल रात 2 से 3 बजे के बीच लाइट कट गई थी साहब, उस समय का तो कुछ मिल नहीं पाएगा साहब, लेकिन उसके पहले और बाद का सब है साहब। 2 से 3 बिजली नहीं थे, शायद खून भी उसी वक्त हुआ। उस दौरान तुमने किसी अनजान आदमी को यहाँ आते जाते देखा था? साहब रात को 2:30 बजे सेठ साहब के बाजू वाले घर से 4 बच्चे लोग गाड़ी लेके निकल गए। वो फ्लैट किसका है? वो प्रेरणा मैडम का। प्रेरणा मैडम और उनके मम्मी पापा वहाँ रहते हैं, पिछले हफ्ते भर से उनके मम्मी पापा बाहर गांव चले गए और उनकी गाड़ी लेके सब गए। हाँ सर वो जल्दी में थे और कुछ परेशान भी थे, हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लोग बिजली के चक्कर में परेशान थे। तो गाड़ी की डिटेल है तुम्हारे पास? मिलेगी ना सर। ये बच्चे जरूर कुछ जानते होंगे इसके बारे में, सब जगह अलर्ट कर देते, कहाँ जाएंगे बाद में? सर देखा सुना तो नहीं है, लेकिन कल रात एक अजीब बात हो गई थी, करीब 1 घंटे तक कल रात बिजली नहीं थी। सर ये पॉश एरिया है, यहाँ कभी लाइट जाती नहीं है। बिजली अपने आप तो नहीं कटी होगी, कातिल ने जानबूझकर पावर सप्लाई काट दी होगी। सर ये देखिए छेड़छाड़ तो हुई है, जिस आदमी ने ये वायर काटा है उस आदमी को बहुत अच्छे तरीके से पता था कि अगर ये वायर काटेगा तो पूरे एरिया की लाइट चली जाएगी और हर सोसाइटी की भी। जी ठीक है, थैंक यू। साफ है किसी ने रात को 2 बजे इस जंक्शन बॉक्स से पावर सप्लाई कट कर दिया था, जिससे सोसाइटी का जो सीसीटीवी कैमरा है वो ऑफ हो जाए। उसके बाद वो कंपाउंड में घुसा और मिस्टर सेठ के घर में घुस गया और करीब 2:15-2 बजे खून किया होगा, हीरे चुराए और वहां से निकल गया हो, और फिर 3 बजे बिजली आ गई वापस। सर आपकी थियोरी में थोड़ी गड़बड़ लग रही है। क्या गड़बड़ है? उन तीनों की मौत 2 से 3 के बीच नहीं हुई है। क्या? तो फिर मौत कब हुई? इसके लगभग 1-1.25 घंटे पहले, मतलब 1:45-1 बजे के बीच। ये कैसे पॉसिबल है सर? क्या इन तीनों की बॉडी का टेम्परेचर और बॉडी के अंदर की स्थिति यही बताती है कि इनकी मौत 1:45-1 बजे के बीच में ही हुई। और तो और
ये मिस्टर सेठ की घड़ी। हमले के बाद इन्होंने जरूर कातिल की वार को अपने हाथों से रोकने की कोशिश की होगी और किसी धक्के से इनकी घड़ी बंद पड़ गई होगी। इस बंद घड़ी का समय दिखा रहा है 12:55। 12:55? अगर मौत 1:15 के बीच हुई तो कातिल उसके पहले आया होगा, लेकिन बिल्डिंग की लाइट तो 2 बजे तक चल रही थी सर, और सीसीटीवी कैमरे भी काम कर रहे थे, और बिल्डिंग में सिक्योरिटी भी काफी अच्छी है सर। और सर, एक वॉचमैन तो मिस्टर सेठ के घर के नीचे ही खड़ा था। हमने तो सीसीटीवी फुटेज चेक किया था, 2 बजे तक तो कातिल अंदर आया नहीं, तो आया कब? और फिर कातिल ने मर्डर करने के 1 घंटे बाद पावर कट क्यों किया? रेडी? अच्छा, वेरी गुड सर। पीड़ी ने उन चारों बच्चों को पकड़ लिया, शहर से बाहर भागने की कोशिश कर रहे थे, वाशी ब्रिज के पास पकड़ लिया उन्हें। ग्रेट वर्क, चारों को यहाँ ब्यूरो में लेकर आने को कहो। वो लोग हमारी वजह से मर गए। ये सब तुम लोगों ने उन हीरो के लिए किया ना? हीरे? कैसे हीरो की बात कर रहे हैं सर आप? हीरो के बारे में पता नहीं तुम्हें? अगर नहीं तो फिर मारा क्यों उन लोगों को? सर, हमने किसी को नहीं मारा, वो कबारा ने मारा है सर, और वो हमारी वजह से आया था क्योंकि हमने उसे बुलाया था सर। ये कबारा कौन है? वो एक मशहूर सीरियल किलर और लुटेरा है। एक मिनट, ये वो 1940 वाला कबारा तो नहीं? इसके बारे में पढ़ा है सर, ये सिर्फ लोगों को लूटता नहीं था बल्कि बहुत बुरी तरीके से उनकी हत्या कर देता था। हाँ, वही है। अरे लेकिन उसको तो मर के 50 साल हो गए, तुमने उसे बुलाया कैसे? हम लोग एक हिस्ट्री प्रोजेक्ट बना रहे थे तो हमें लगा कि रियल लुटेरे को बुलाएंगे तो और अच्छा होगा, तो इसलिए हम उसकी आत्मा को बुला रहे थे, लेकिन सब गड़बड़ हो गया। कुछ भी हो जाए हाथ मत छोड़ना। तुमने हाथ क्यों छोड़ दिया अभी? तुम्हें पता है कितना खतरनाक हो सकता है? सर, फिर कुछ धड़ से आवाज आई और हमने उधर देखा तो वहाँ कबारा की परचाई थी। आत्मा बुला रहे थे। चुप, भूत को बुला रहे हैं। अब तुम लोग पढ़े लिखे हो ना, ऐसे सब बातों पर विश्वास करते हो? 50 साल पहले मरे हुए आदमी की आत्मा आती है, खून कर जाती है और हीरे लेकर भाग जाती है, अरे ऐसे कभी होता है? सर, उस साये को मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसका मुंह, आंख, नाक कुछ भी नहीं था सर। कितने बजे देखा था उसे? सर, 2:05 हुए थे जब मैंने सेलफोन का टॉर्च ऑन किया था, तो यही समय था सर। 2:05 यानी लाइट जाने के तुरंत बाद? यानी कातिल अकेला नहीं था, कोई और भी था उसके साथ में? वो कब आ रहा था सर? हाँ सर, हम लोग बहुत घबरा गए थे और हम लोग वहाँ से मोनिका के हॉस्टल पे भाग गए। सर, वो मैंने आप लोगों से एक बात छुपाई। एक्चुअली उस रात दोस्तों को डराने के लिए मैंने फ्रेंचाइट के साथ छेड़छाड़ की, उसे अपने पैरों से हिलाया और मैग्नेट के जरिए ब्लड और कबारा लिखा था सर। सॉरी सर, लेकिन वो साया और वो डरावनी शक्ल मैंने देखी थी, वो कबारा की आत्मा थी सर। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, आत्मा वक्त सब बकवास है। पंकज, इन सबके घर पर फोन करो, बुला लो घर वालों को, बोलो लेकर जाइए यहाँ से इनको। अभिजीत, इन बच्चों ने कुछ न कुछ तो देखा जरूर है, कुछ तो देखा है, और जो कुछ भी देखा है ना, उसका संबंध इन 3 हत्याओं से है। पता लगाना पड़ेगा है कौन ये साया। उन लोगों ने खूनी को देखा होगा। हाँ सर, और खूनी कबारा है। अरे यार, बालकनी में चल के देखते हैं,
कोई ना कोई सबूत छोड़ के गया होगा तुम्हारा कबारा। तो इसके गिरने की आवाज सुनी थी लोगों ने? सर वो सेठ जी की बालकनी है, तो खूनी वहां से भागते हुए यहाँ पर आया होगा, तभी ये गमला गिर के टूट गया होगा। देखो जरा भाई, सर निशान क्लियर तो नहीं है, लेकिन लगता है ये 7 नंबर का जूता है। पैर काफी छोटा है, मतलब ऊंचाई कुछ ज्यादा नहीं होगी इसकी। चाहे वो छोटा हो लेकिन ताकतवर तो है, जिस हिसाब से खून किया उसने। क्या लगता है पंकज, कुछ कहना है? ये जूते का निशान किसी आदमी का है या आत्माओं ने आजकल जूते पहनने शुरू कर दिए? नहीं सर, जो आप बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन वो बिना आंख नाक मुंह वाली साया सर वो क्या था? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम अपने चेहरे पे ये लगा लो, ये लो। नाक है ना नाक है, एकदम साया, और अंधेरा था। उनको भी लगा कि वो खूनी कोई आत्मा थी। एक तो वो लोग प्लैंचेट खेल रहे थे, ऊपर से लाइट चली गई। एक साया दिखा तो दिमाग तो उल्टा सीधा ही सोचेगा ना। जरा सोचो, एक आत्मा को 10 करोड़ के हीरे की क्या जरूरत है? क्या करना है उसको? ये काम किसी आत्मा का नहीं, किसी इंसान का है। रात के 12:55 को मिस्टर सेठ, मिसेस सेठ और उनका नौकर रामू, इन तीनों के खून हो गए। रात के 2 बजे जंक्शन के मीटर बॉक्स से किसी ने छेड़छाड़ की, और फिर रात के 2:05 पर खूनी को प्रेरणा के बालकनी से भागते हुए देखा अदनान। सवाल ये उठता है कि सर खूनी घर के अंदर कब गए? सर हमारे पास रात के 2 बजे तक का CCTV फुटेज है सर। दोपहर के बाद घर के पास कोई आया ही नहीं, खिड़की दरवाजे सब बंद थे, कोई एंट्री हो ही नहीं सकती। ये तो ऐसा ही हुआ जैसे 12:55 को खूनी जादू से घर के अंदर प्रकट हुआ और सबको मार दिया। क्या कहा तुमने फ्रेडी? क्या कहा? कुछ नहीं सर। वो फ्रेडी बिल्कुल सही कहा तुमने, खूनी ने ऐसे ही किया होगा, बिल्कुल ऐसे ही किया होगा। मतलब काबरा का भूत? काबरा का भूत? मेरे कहने का मतलब है कि खूनी कत्ल की रात पहले से ही वहां मौजूद था, बाहर नहीं निकला था वो। यानी घर के अंदर था कोई आदमी? लेकिन सर घर के तो सारे लोग मारे गए। कोई और दया, कोई और था जो कत्ल की रात से पहले कमरे के अंदर बैठा था, बाहर नहीं निकला था। एक काम करते हैं, CCTV फुटेज चेक करते हैं, देखते हैं कत्ल के 2-4 दिन पहले कौन कौन मिस्टर मिसेस सेठ के घर आया था। और दया अभिजीत, तुम शेठ के घर जाओ और देखो कहीं कोई छुपने की जगह है क्या। चीटियां देखो ऊपर जा रही है। ड्राई फ्रूट्स? ड्राई फ्रूट लेके वहां ऊपर छुप के बैठा होगा। जगह भी अच्छी है छुपने की, मौके के इंतजार में। लेकिन ये घर के अंदर घुसा कब होगा? हाँ सर, फुटेज सोसाइटी के ऑफिस में देख लेते हैं सर। हाँ हाँ, फोन ऑन है, स्पीकर फोन पर है। पूर्वी सर, कुछ पता चला कि नहीं? सर हम कत्ले वाली रात से 2 दिन पहले की एंट्री देख रहे हैं। और कुछ मिला है सर? क्या मिला? 2 दिन पहले सर चैंपियन सेल्स कंपनी का एक टेम्पो वहां आया था 10:15।
और सर उसके दूसरे दिन यानी कत्ल से एक दिन पहले चैंपियन सेल्स का टेक्नीशियन मिस्टर सेठ के घर आया था, एक घंटे रुका रहा और फिर चला गया। आप जरा बाहर जाइए, दो लोग आए थे फ्रिज डिलीवर करने के लिए और दूसरे दिन दूसरा आदमी शायद फ्रिज इंस्टॉल करने के लिए, पर एक घंटे में निकल गया। इसका मतलब है अगर खूनी वहां पर था तो उसने अपने सुराग छोड़े होंगे वहां पर। साड़ुखी को बोलो सेठ के घर चले जाए। मिला डॉक्टर साहब? हाँ मिला, इलेक्ट्रोलाइट्स, हाँ सोडियम क्लोराइड यूरिया वो सभी कुछ जो एक आदमी के पसीने में होता है। अच्छा, इसका मतलब ये खूनी जो है वो इस फ्रिज के अंदर बैठ के आया, जब डिलीवरी हुई फ्रिज की उसके अंदर छुप के आया और घर में घुस गया। हाँ सर, कुछ दिन पहले मैंने नया फ्रिज लिया था, कंपनी वाले डिलीवरी के बाद फ्रिज खोलने नहीं देते और एक दो दिन के बाद जब इंस्टॉलेशन वाला आता है वो फ्रिज खोलता है। तभी मिस्टर सेठ और उनके घर वालों को पता नहीं चला कि कोई और घर के अंदर घुस के बैठा है। बिल्कुल, वो आदमी फ्रिज में घुस करके बैठा होगा, फ्रिज में उसे गर्मी लगी, गर्मी से पसीना आया और वो पसीना फ्रिज में रह गया। लेकिन सालू के साथ फ्रिज का कार्टन तो सील होता है, तो फिर खूनी अंदर आया कैसे और वो सांस कैसे ले रहा था? ये देखो, तो यहां से सांस ले रहा था वो। ये तो ट्रोजन हॉर्स वाली कहानी हो गई। ट्रोजन हॉर्स? अब ये क्या है? यार एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा लेकिन अंदर से खाली, खोखला। अंदर से खोखला? हाँ, जिसके जरिए ग्रीक सैनिकों ने ट्रॉय में घुसपैठ की थी। ग्रीक सैनिकों ने एक बहुत बड़ा लकड़ी का घोड़ा ट्रॉय में भेजा जिसमें सैनिक पहले से ही थे। ट्रॉय में पहुंच के एक सैनिक घोड़े से बाहर निकले और उन्होंने ट्रॉय पे हमला कर दिया। इस खूनी ने भी वही तरीका चुना है और कामयाब भी रहा। भागने से पहले उसने अपने हाथ धोए, हथियार साफ किया और ठीक 2 बजे उसका साथी जो नीचे इंतजार कर रहा था उसने पावर स्विच ऑफ कर दिया और अंधेरे का फायदा उठा के वो यहाँ से भाग निकला। भागते भागते वो प्रेरणा की बालकनी में गया जहाँ उसने वो गमला गिराया। ये चैंपियंस कंपनी के मैनेजर सर, मैंने रिकॉर्ड अच्छे से चेक कर लिए। सेठ जी हमारे पुराने कस्टमर थे। आप मैनेजर हैं? जी सर। तुम कैलाश और मानव? जी सर। तुमने फ्रिज की डिलीवरी दी थी सेठ साहब के घर पे, है ना? जी सर। और तुम राणा हो, तुमने फ्रिज इंस्टॉल किया? जी सर। लेकिन क्या हुआ सर? मिस्टर सेठ, उनकी पत्नी और उनके नौकर का खून हो गया है। खून?
लेकिन साहब हम लोगों ने तो कुछ नहीं किया था साहब, हमें तो असाइनमेंट मिला था, हमने गोडाउन से फ्रिज उठाया और उनके घर में डिलीवर कर दिया। लेकिन सर ये तुम्हारा रोज का काम है सर। हाँ सर एक बात है, वो फ्रिज सर कुछ ज़्यादा ही भारी था, तकरीबन 30-35 किलो ज़्यादा था सर। हाँ सर हम लोगों ने इस बारे में बात भी किया था सर, हम लोगों ने सोचा कोई नया मॉडल है। सर मैंने इन लोगों का लॉग बुक चेक किया, ये दोनों 9 बजे गोडाउन पहुंचे थे और 9:30 बजे टेम्पो में फ्रिज को लोड किया और 10:15 बजे इन लोगों ने वो फ्रिज मिस्टर सेठ के घर पे डिलीवर करके वहां से निकल गए। इस दौरान तो कोई आदमी फ्रिज के अंदर नहीं जा सकता, जो भी हुआ है 9:30 से पहले ही हुआ होगा सर। सर ये खूनी रात को ही फ्रिज में घुस के बैठ गया होगा। अभी सदाना आप गए थे वहां पे फ्रिज इंस्टॉल करने के लिए, तो फ्रिज के पैकिंग में आपको कुछ गड़बड़ लगी, ऐसा लगा कि छेड़छाड़ की गई है पैकिंग के साथ? कुछ खास नहीं था सर, बस पैकिंग अच्छी नहीं थी, कार्टन और अंदर का थर्माकोल बिल्कुल टूटा हुआ था, जैसे किसी चूहे ने काटा हो। मुझे ये बात अजीब लगी इसलिए मैंने फ्रिज को चेक किया, फ्रिज बिल्कुल परफेक्ट था सर, उसमें कोई डैमेज या फॉल्ट भी नहीं था, इसलिए मैंने उन लोगों को ये बात नहीं बताई कि वो लोग फ्रिज वापस कर देते और हमारी कंपनी का नाम खराब हो जाता। थर्माकोल तोड़ के दरवाजे में फंसा दिया होगा ताकि सांस ले सके। हाँ ये फ्रिज का वजन 30-40 किलो से ज्यादा था और जूतों के निशान जो मिले वो 7 नंबर के जूतों के थे, मतलब ये आदमी कोई एवरेज कद का इंसान नहीं है, इसीलिए तो फ्रिज के अंदर फिट हो गया। मैनेजर साहब। जी सर। सेठ साहब के घर पे जो फ्रिज भेजा है बिल्कुल वैसा ही फ्रिज यहाँ पर मंगवा लो। ठीक है सर। ढीचू को बुलाओ। आपने बुलाया और हम चले आए। अरे वाह कैसे हो रेचू? अरे सर क्या बात है, इतने टाइम बाद मिल रहे हो, सब ठीक ठाक है? अभी तक तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अब आप लोगों ने मुझे सीआईडी में जब बुला ही लिया है तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। अब ध्यान से सुन लो, 3 खून हुए हैं और हमें यकीन है कि खूनी उस फ्रिज के अंदर बैठकर छुपकर घर के अंदर घुसा, 3 लोगों का खून किया और भाग गया। इस फ्रिज के अंदर? हाँ इस फ्रिज के अंदर। और सर? और तुम्हें? हाँ। बस वैसे इस फ्रिज के अंदर जाना है और बैठना है। सर मुझे फ्रिज के अंदर जाना है? हाँ। वो फ्रिज का दरवाजा बंद हो जाएगा? बिल्कुल, तुम्हें फ्रिज के अंदर बैठकर बाहर निकलने की कोशिश करनी है। कैसे बाहर निकलोगे हमें दिखाओ। लेकिन सर थोड़ा एक गिलास पानी मिलेगा? हाँ मिलेगा, फ्रिज के अंदर जाओ बैठ कर पियो। चलो। जी 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 सर। चल रेचो। चल जा सोने पे, हो जा मरने के लिए तैयार, जा रहा हूँ सर। देखिए अब देखिए ढीचू का कमाल। ढीचू ढीचू बाहर आने की कोशिश करो सर, अंदर से खुल नहीं रहा है, आपको हेल्प करनी पड़ेगी। नीचू नीचू बाहर आने की कोशिश करो, चाकू है ना तुम्हारे पास? नीचू हाँ सर, सर मुझे बाहर निकालो, निकालो निकालो, इस सुबह फंस गया लगता है। गुड नाइट सर। नीचू नीचू खुल, अरे बच्चा खुल गया, अरे खुल गया। नीचू 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 सर
मेरा चश्मा। हाँ, मिले। रेडी, कॉफी पिलाओ इसे। चलो। थैंक यू। मुझे लग ही रहा था कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। सेठ के फ्रिज का जो कार्टन है, जो बॉक्स है, उसे इतनी सफाई से काटा है बाहर से। अंदर से बैठ के कोई काट ही दे सकता बॉक्स को वैसे। जरूर किसने बाहर से काटा है उस खूनी को बाहर निकालने के लिए। वो जो कोई भी है सर, वो फ्रिज की डिलीवरी के बाद और फ्रिज के इंस्टॉलेशन के पहले इसी बीच में आया होगा। जो काम करो, हमारा ये खूनी दुबला पतला है, 30-40 किलो का है, मगर ताकतवर है। तुम्हें ऐसे आदमी को ढूंढना है जिसके पास अचानक से ढेर सारा पैसा आया है, जो जुए में उड़ा रहा है, नाच गाने में पैसे उड़ा रहा है, ऐसा आदमी वही हमारा खूनी है। सर, आप बोलिए। सर, फ्रिज की डिलीवरी और इंस्टॉलेशन के बीच मिस्टर सेठ के घर 3 लोग आए। सर, पहला है पन्ना लाल। हाँ, पन्ना लाल सूरत से हीरे लेकर आया था और रात को मिस्टर सेठ के घर में ही ठहरा था। सर, वो हीरे तो उसी के थे, वो उनके लिए खून क्यों करेंगे? हो सकता है उसने इन हीरों का इंश्योरेंस करवाया और इंश्योरेंस कंपनी से दुगना फायदा कमाने के चक्कर में ये सब खेल खेला उसने। और सर, दूसरा है मानिक, वो मिस्टर सेठ की कंपनी में काम करता था। हीरो की पॉलिश तो इसी ने की थी ना, क्या पता सर इसकी नीयत खराब हो गई हो। तीसरा है मिस्टर सेठ का भतीजा करुणेश। हाँ सर, ये करुणेश उनके यहाँ रहता नहीं था, उनकी कंपनी में काम करता था और हीरो के बारे में उसे सब कुछ पता था। हो सकता है लालच में आकर उसने उन लोगों का खून कर दिया। देखो। हाँ देखो, बोलो। सर, एक आदमी है विक्टर। सर, उसका हुलिया सेम टू सेम वैसा ही है जैसा आप लोगों ने बताया था। और सर, वो बड़ी आसानी से फ्रिज में समा सकता है। और सर, कुछ दिनों से वो बड़ी ही बहकी बहकी बातें कर रहा है, जैसे जैसे उसे कोई कुबेर का खजाना हाथ लगने वाला हो या फिर कोई खजाना हाथ लग गया हो। सर, वो बड़ा ही सल्की और खूंखार टाइप का आदमी है। सुना है कुछ साल पहले वो सीरियल किलर भी रह चुका है। सर, एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात, खून अगर विक्टर ने किया है तो अपने पास ज़्यादा वक्त नहीं है सर। या तो देश छोड़ चुका होगा या फिर देश छोड़ने की फिराक में होगा। विक्टर तो मोहरा है, उसके पीछे दिमाग कोई और ही है। ये विक्टर देश छोड़कर भागने की सोच रहा है। भाग के जाएगा कहाँ सर? भागने देंगे तब ना, इसके फोन के लोकेशन से पता कर लेंगे कहाँ छुप के बैठा हुआ है। बहुत मेहनत है सीआईडी में। सर, सर यही कहीं है ना? आड़े जो, उसके मोबाइल का लोकेशन वहीं आसपास कहीं दिखा रहा है। फोन करने के बाद से वहीं पे छुपा हुआ वो। ठीक है। तुम सही जा रहे हो और आगे बढ़ो। पंकज सर, अभी से कोई नहीं पकड़ पाएगा सर। पंकज, क्या बात कर रहे हो, क्या हुआ, क्या है? सर, मर गया वो। एक आखिरी कड़ी बची थी, वो भी हाथ से गई। कैसे मर गया? सर, सर पे किसी ने पत्थर से या किसी चीज से मारा है सर, और मर के भी बहुत टाइम हो गया सर। बॉडी से बहुत बास आ रही है, बहुत बुरी हालत में बॉडी। ठीक है पंकज, एम्बुलेंस बुलवा लो और तुम लोग वहां से निकलो। ओके सर। ओके, जैसे काम हो गया उसको ठिकाने लगा दिया और लाश को कहीं फेंक दिया। सर, उन तीनों मर्डर्स के बाद ही विक्टर की फोन की लोकेशन वहीं दिखा रही थी। अच्छा, तो किसने किसने किए होंगे खून, ये पन्ना लाल, मानिक या करुणेश? पन्ना लाल, मानिक या करुणेश? बोलता हूं।
अच्छा ठीक है, थैंक यू। ये पन्नाला, माणिक और करुणेश, इन्हों को फोरेंसिक लैब बुला लो। असली गुनहगार कौन है इसका पता चल गया। इस कार्टन के जरिए विक्टर को उस घर में भेजा गया था और ढेचू को अंदर भेज के ये बात तो प्रूव हो गई कि विक्टर अपने आप बाहर नहीं आया था। तो जाहिर है जरूर किसी ने उसकी मदद की है बाहर आने में। और जिसने भी उसकी मदद की वो इस सब का मास्टरमाइंड है, और वो तुम तीनों में से कोई एक है। ये आप क्या बोल रहे हैं सर? सर मैंने कुछ नहीं किया। आप लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं हमें? एक मिनट, किसी ने इस कार्टन को बड़े प्यार से बाहर से काटा, विक्टर को बाहर निकाला, वापस डक टेप से इस कार्टन को चिपका दिया। लेकिन इस कार्टन को चिपकाते वक्त उसने अपनी उंगलियों के निशान इस चिपचिपी इस जगह पर छोड़ दिए, जो अभी भी इंटैक्ट हैं। इस टेप के उस तरफ। लेकिन सर फिंगरप्रिंट्स मिलेंगे कैसे? कार्टन पे तो टेप लगा हुआ है, और अगर हम टेप निकालते हैं तो उसके साथ कार्टन का कागज भी निकल जाएगा। फिक्र मत करो पूर्वी, साड़ों के साहब ने हमें यहाँ बुलाया है तो कोई ना कोई रास्ता तो होगा इनके पास। है ना, रास्ता है। तारिका, इस हेयर ड्रायर के जरिए, इस हेयर ड्रायर को हम इस टेप के ऊपर इस्तेमाल करेंगे। इस ड्रायर के गर्म हवा से इस टेप के ऊपर का एडहेसिव गोल कमजोर हो जाएगा। ये देखिए फिंगरप्रिंट्स साफ साफ नजर आ रहे हैं। क्या बात है तारिका जी, कमाल कर दिया। फिंगरप्रिंट्स एकदम साफ नजर आ रहे हैं। हाँ, अब बस इनमें से मैच करने की देरी है। मैं नहीं किया। मुझे इन हीरो के बारे में पता था, और मुझे ये भी पता था कि वो लोग एक नया फ्रिज लेने वाले हैं। और तभी मुझे एक आइडिया आया। मैंने उस फ्रिज को ट्रोजन हॉर्स की तरह यूज करके विक्टर को उस घर में पहुंचाया। विक्टर को तो मैंने हीरो का लालच दे दिया था, और वो रात को वेयर हाउस जा पहुंचा और मौका देखकर अंकल के पर्ची वाले फ्रिज में जाकर छुप कर बैठ गया। फिर डिलीवरी के बाद तुम उनके घर गए और विक्टर को फ्रिज से बाहर निकाल लिया। उस रात मैं चाचा जी के घर पे ही रुका था। और फिर मैंने विक्टर को फ्रिज से बाहर निकाल के घर में ही छुपा दिया। करीब डेढ़ दिन तक वो वहीं छुपा रहा। घर के लोग रात को सो गए तो वो बाहर निकला। उसने सबको मारा और फिर हीरे चुराकर मेरे पावर कट करने का वेट किया। ओ, तो इसीलिए विक्टर अपने हथियार और हाथ साफ कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी बंद होने का इंतजार कर रहा था, क्यों? जी, फिर मैं विक्टर को अपने साथ ले गया। मारने के बाद उसे फेंक दिया ताकि मुझ तक कोई ना पहुंच सके। इतना सोचा, कितनी प्लानिंग की, लेकिन अकल तुक्की पड़ गई इसकी। ये नहीं सोचा चाहे कुछ भी हो, सीआईडी वालों के हाथ तो तुम तक पहुंच ही जाएंगे। हर गुनेगार कोई ना कोई गलती करता ही है, जैसे तुमने अपनी उंगलियों के निशान छोड़ दिए ना इधर, बस हमारे लिए उतना ही काफी था। चार चार खून किए तुमने हीरो की लालच में,
अब भुगतो अपने कर्मों के फल। कड़ी से कड़ी सजा होगी तुम्हें, शायद फांसी। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।